मैंने शायद जल्दी रन थ्रू कर लिया इसमें, काइंडली मुझे कोई, अब हम इंटरेक्टिव हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर कोई भी चीज़ किसी भी स्लाइड से मुताल्लिक कुछ भी आप लोगों के जहनों में है तो काइंडली वो लेट अस नो दैट। जो जिसने क्वेश्चन करना वो चेयर को ड्रेस करें, हाथ खड़ा करें और फिर बताइए। हाँ जी बेसिकली जो पार्टनर एक सेल्फ एक काम है ना, जिधर भी इदारे के अंदर बैंक के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर होना पड़ता है, तो पार्टनरशिप डीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ऐसा सिलसिला है कि तो पार्टनर्स आपका जो एक पार्टनर है वो आपका होना बहुत जरूरी है, मोस्ट प्रोबेबली प्रेफरेबली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। ये कामयाब जवान है सर, होगी तो कोई एक बंदा वो भी बिजनेस कर रही थी, उनको एक अप्लाई करना था वो लॉ में भी, तो उन्होंने अपनी सिस्टर लॉ के साथ पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट की, उसको रजिस्टर करवाया, रजिस्टर करवाने के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हुई थी, बैंक अकाउंट करवाया, अपने लोकल चैंपियन से रजिस्ट्रेशन करवाई और अपने बाकी डिटेल्स हुई उनके पार्टनरशिप रजिस्टर हुई, उसके बेसिस उसको फाइनेंसिंग मिली और बैंक से भी फाइनेंस कर लिए, और ये काफ़ी कॉमन होगी, पहले लोगों में इसका वेजेस में भी ये चीज़ काफ़ी कॉमन होगी। एंड एज लिमिट सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के लिए है, दूसरी स्कीम जो रही ने बताई थी क्रेडिट गारंटी वाली वो 5% पे, उसमें एज सच एज लिमिट डिफाइन नहीं है, तो उसमें आप अबव 55 भी जा सकते हैं। अच्छा सर एक और चीज के जब हम अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन का भी जाता है उसके अंदर, तो क्या आप मुझे वो बताएंगे कि वो क्या डॉक्यूमेंटेशन है जो रिक्वायर्ड है अकाउंट खोलने? जी मैं उस पर थैंक यू वेरी मच, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ख्वातीन का वंडरफुल सेशन ये होता है कि ख्वातीन की पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि आज का जिस तरह के हमारे वैसे भी मुल्की हालात चल रहे हैं, वैसे भी जिस तरह घरों में हमारे तो इस तरह का सिलसिला नहीं है, मोस्टली ख्वातीन बच्चों के साथ फैमिलीज के साथ घरों पे ही स्ट्रक होती है, तो इतनी बड़ी तादाद में औरतों का आना ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। मिजान बैंक से मैं ये कहूँगी कि अपने हिस्से की शमा तो हमने जला दी, हमने अपना तरफ से पूरा दे दिया इनपुट आप लोगों को, अब बॉल आप लोगों की कोर्ट में है स्टेट बैंक की और निजाम बैंक की, क्योंकि जितनी खवातीन यहाँ आई हैं इन सबको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने केटर करना है, इनको इन सबको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने कंपनसेट करना है, बिकॉज होता ये है कि यहाँ पे तो हम लोग आते हैं बहुत अच्छी, ये लोग भी बातें करते हैं हम भी करते हैं और हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब हम इनसे इनके बैंक में मिलते हैं ना तो वो फिर एक कश्मीर आज़ाद कराने वाला ही सिलसिला हो जाता है, तो ये लोग भी बहुत बिजी, फिर कल आइएगा परसों आइएगा ये डॉक्यूमेंट ले आए वो डॉक्यूमेंट, तो वो फिर खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल, मैं सही कह रही हूँ ना? तो ये मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ जिस तरह से हमने इधर डिग्निटी से इन सबको बिठाया और इस तरह से, तो आप लोग भी इसी डिग्निटी से इन लोगों को, क्योंकि देखिए ये सियालकोट की खवातीन है और सियालकोट चैम्बर जब बना था ना तो तब सबको लगता था कि ये तो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, SCCI बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी अपनी एक सेह है, उस वो एक मुस्तनद इदारा है, तो खवातीन, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने आना शुरू किया, क्योंकि आप लोगों की हम लोगों की हमारी एक मुश्तरक कामयाबी है। तो इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पे जितनी खवातीन आई हैं उनसे कि आप लोग अब यहाँ तक आए हैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे वुमेन चैम्बर की मेंबरशिप जो है ना वो भी यहाँ से लेके जाइएगा, उमायमा यहाँ पे हैं उनसे आप लोग डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएं, ताकि अपकमिंग जो भी प्रोग्राम्स हों, ये तो एक प्रोग्राम हो गया मिजान बैंक का स्टेट बैंक का, इसके अलावा काफ़ी सी ऐसी चीज़ें आती हैं, अगर आप इम्पोर्ट के कारोबार से वाबस्ता हैं एक्सपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता हैं तो कभी हमारे डेलीगेशन होते हैं हमारे फॉरन में हमारे एग्जीबिशन होते हैं जो कि वुमेन चैम्बर के प्लेटफॉर्म से आप लोग उनमें ईजीली जा सकते हैं, वीज़ा इशूज
होते हैं वीजा के लिए, काउंसलिंग के लिए, अक्सर हमारे पास यहाँ पे एम्बेसडर्स वगैरह सियालकोट में आते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे हमारी मेंबरशिप लेंगे तो फिर हमारे ईजी होगा आप लोगों को अप्रोच करना, आप लोगों को बुलाना। तो आप लोगों ने एक ये काम करके जाना है। अभी जब मैं आ रही थी तो मैंने एक बुक देखी, मुझे और डॉक्टर मरियम को किसी ने वो गिफ्ट की थी कामयाबी के नाम से ना, तो उस पर अलामा इकबाल का एक शेर था और उस शेर में ना गंगा का जिक्र है, तो गंगा हम मिजान बैंक को समझ लेते हैं, तो उसके एक शेर से मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी कि खेतों को दे दो पानी अब बह रही है गंगा, कुछ कर लो नौजवानों उठती जवानियाँ हैं। तो आप लोग अब इस सारे जितना इन्होंने इतनी माशाल्लाह से वो हमें डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, बड़ी वो प्रेजेंटेशन थी और सुफियान साहब ने भी उसमें बड़ा हिस्सा डाला, तो अब यहाँ से हम लोगों ने कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला लेना है। और इसके अलावा निजाम बैंक से जारा है, जारा आपका बहुत शुक्रिया, जारा मुझे काफ़ी दिन से मेरे साथ कॉन्टेक्ट में साथ में जरूर आ रहे, तो मैंने कहा हमारा अपना फंक्शन है, मैं जरूर इंशाल्लाह ताला आऊँ। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें रब्ता कर सकते हैं, और मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जी 100% जो है ना कंप्लेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड किया। डेफिनेटली कुछ रश की वजह से बाद में कुछ यंगस्टर्स कुछ ऐसे तरीके से डिले कर जाते हैं जो कस्टमर को नागवार हो जाती हैं, अच्छे तरीके से नहीं अटेंड कर पाते, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको टाइम टू टाइम हम उनको गाइड करें, एजुकेट भी करें कि प्रोफेशनली कस्टमर्स को हैंडल करना। आप बड़ा अच्छा काम करें स्टेट बैंक भी, आप भी देखें, आप कह रहे हैं 2 करोड़ लगेगा इस ब्रांच को लेने, 2 करोड़ क्यों आप खर्च सकते हैं, आप एक छोटा सा फंड रख लें चाहे 2 लाख तक, उसका फायदा ही होगा। मैं आपको आप बनाए जो फील्ड वर्क में जाने की एक टीम बनाए जो कि फोकस करे सिर्फ और सिर्फ खवातीन काम करने वाली एंटरप्रेन्योर्स लिविंग इन विलेजेस और कोई ना कोई काम कर रही है। देखिए कश्यप फाउंडेशन आपके सामने एक एग्जाम्पल है, मार्कअप उनका 35% तक नहीं जाता है, 12% से 33% को इंटरेस्ट लेता है, उसके बावजूद सबसे सक्सेसफुल माइक्रो फाइनेंसिंग अमंग वुमेन इज बाय कश्यप फाउंडेशन की गवर्नमेंटेड है। क्या वजह है कि वो घरों में जाते हैं, उनकी टीम जाती है 2 लोगों की 3 लोगों की, वो अपने जाके स्कीम्स बताते हैं। आप इस तरह की टीम तश्कील दें, अगर आप वाकई कुछ एक आप एक एग्जाम्पल क्रिएट करें और आप कहते हमने ये डालो वाली डिस्ट्रिक्ट से गाँव से शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू किया और उसका उसके बाद आप उसे 6 मंथ्स का फॉलोअप करिए, आप हमारे ना चैम्बर के साथ आप, हम आपको सारे हमें पता है कारवां हमारे साथ है, बेदारी हमारे साथ है, इस तरह हमारा आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें से 350 वुमेन रिजाइडिंग इन विलेजेस वर्किंग फ्रॉम देयर जो कि ऑलरेडी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है, हम उनका आपको सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको भी अपने उससे ना कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ा। जी जी, मेरा भी एक सवाल है, पिछले साल हम लोगों ने ना कारवां से के बाद केपी के भी काम किया, अभी भी हमारा डीजी खान मुल्तान बहावलपुर और इंडिया खान में हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा हम लोग पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी जो है कारवां रेसिंग कर रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारी खवातीन जो हैं, अब हमारी खवातीन कुछ लोग जो हैं चैम्बर्स के साथ रजिस्टर्ड हैं मुल्तान में बहावलपुर में, अब हमारे इंशाल्लाह इनिशिएटिव जो है हम लोग शाहपुर चैम्बर्स के साथ भी अपनी खवातीन को रजिस्टर करें। उससे मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जैसे ये लोग को अब आपके ये सारी जितनी भी आप लोगों ने फैसिलिटीज बताई, क्या ये सिर्फ आपकी सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के लिए है या आउटसाइडर भी है? ठीक है, जैसे मुल्तान और ये जारी कर जो हमारी ये जो फैसिलिटीज हैं पूरे पाकिस्तान में We have heard powerful stories of resiliences, innovation and success from women who have overcome obstacles and carved their path to prosperity. This is for you, क्योंकि आप एक गांव की बात आपने छेड़ी तो ये बहुत जरूरी था। We have also learned about the initiatives and programs implemented by the state banks and Nizam Bank to promote women's financial inclusion. Sir, बहुत important ये topic है and we must to carry on is कि आपने जो suggestion अभी दिया कि हम next year documentation के ऊपर ही proper एक seminar करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात। It is evident that collaboration and participation are key to driving positive change. The collaboration between the Women Chamber, the State Bank and the Reserve Bank for this event is a testament to the shared vision of empowering women in businesses. We must continue to foster such partnership and leverage the expertise and resources of various stakeholders to create an enabling environment for women entrepreneurs. As the legal advisor of the Women Chamber,
I am encouraged by the steps taken by State Bank, Stafford and Reserve Bank to address the gender gap in access to finance. Their commitment to promoting gender equality and empowering women in business is commendable. However, we must ensure that these efforts translate into tangible outcomes. We must hold ourselves accountable and continue advocating for the implementation of gender responsibilities policies, supportive regulatory frameworks, and targeted financial products.